तो दोस्तों यार वो खबर आ चुकी है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का मार्च इवेंट कब होने वाला है मार्च में, और एप्पल अपने मार्च इवेंट में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाला है, आज हम इस वीडियो में आपसे उसके बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में, तो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है लविश कंचल, आप देख रहे हो टेक्निकल लविश। So let's start the video। तो दोस्तों यार, एप्पल ने अपनी मार्च इवेंट की डेट कंफर्म कर दी है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल अपना मार्च इवेंट 23 को करने जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ट्यूसडे को 2021 के ये इवेंट होगा। तो और अगर आपको एप्पल के इवेंट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, साल में एप्पल अपने दो बड़े इवेंट करता है जो कि काफी बड़े इवेंट होते हैं। उसमें एप्पल अपने एक इवेंट होता है जो मार्च में होता है, और दूसरा इवेंट एप्पल का होता है सितंबर में। सितंबर में जो इवेंट होता है एप्पल का, उसमें एप्पल अपने नए आईफोन सीरीज को लॉन्च करता है, अपने नए आईफोन 12 सीरीज को, या अभी 13 सीरीज जो लॉन्च होगी वो अपने सितंबर सीरीज में लॉन्च करेगा। और जो मार्च इवेंट होता है उसमें एप्पल अपनी नई एक्सेसरीज होगी, आईपैड प्रोज हो गए, आईपैड मिनी हो गए, और एक दो आईफोन भी लॉन्च कर देता है कई बार, जैसे आईफोन SE हो गए। तो ये होते हैं एप्पल के इवेंट्स। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं हम एप्पल के अपने इस मार्च इवेंट में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाला है, और कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स को एप्पल अपने इस मार्च इवेंट में लॉन्च नहीं करने वाला है। तो दोस्तों, जो पहले सबसे पहले लीक पता चला है, जिसके बारे में सारे लीकर 100% श्योर हैं, वो है एप्पल के AirTags को लेके। जी हाँ दोस्तों, एप्पल अपने इस मार्च इवेंट में 100% अपने AirTags को लॉन्च करेगा। जी हाँ दोस्तों, AirTags जो होंगे वो छोटे से होंगे, आपके आईफोन के पीछे हो जाएंगे पेयर कनेक्ट हो जाएंगे, और आप अपनी फाइंड माई एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपनी खोई हुई चीजों को ढूंढ पाएंगे AirTags की हेल्प से, जो कि एक काफी अच्छी बात हो जाती है। ऐसे भी पता चला है कि जो AirTags है ना, वो जो आपकी आईफोन 12 सीरीज होगी वो उससे रिवर्स वायरलेस चार्ज भी होंगे पीछे से, जो पीछे एप्पल ने अपनी आईफोन 12 सीरीज में मैक्सिफ की टेक्नोलॉजी दी हुई है, उससे वो रिवर्स वायरलेस चार्ज भी होंगे, जो कि एक काफी यहाँ पे हमें अच्छी बात पता चली है। जी हाँ दोस्तों, तो एप्पल के AirTags जो होंगे वो काफी सही प्रोडक्ट तो रहेगा ही एप्पल का। बाकी हम देखते हैं हमें आने वाले टाइम में एग्जैक्ट क्या क्या देखने को मिलता है, इसी के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों, अगर एप्पल अपने इसी AirTags का प्राइस थोड़ा सा कम रख देता है ना, काफी थोड़ा सा मतलब सही प्राइस रख देता है इसी, तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी बात हो जाएगी इसी एप्पल AirTags को लेके। अगली चीज जो दोस्तों है एप्पल के मार्च इवेंट में जो एप्पल लॉन्च करने वाला है, वो है एप्पल का टीवी। जी हाँ दोस्तों, एप्पल टीवी के बारे में इंडिया में लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, या इंडिया में लोग एप्पल टीवी को ज्यादा बाय नहीं करते, बट जी हाँ दोस्तों, यूएसए में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, यूएसए में लोग एप्पल टीवी को काफी ज्यादा यूज करते हैं। और जो इस बार एप्पल टीवी आने वाला है ना, वो इम्प्रूव्ड चिपसेट के साथ आने वाला है गेमिंग वगैरह खेलने के लिए। तो दोस्तों, ये एक काफी अच्छी बात हो जाती है कि एप्पल अपने मार्च इवेंट में एक इम्प्रूव्ड वर्जन टीवी एप्पल टीवी लॉन्च करने वाला है। तो पहले के एप्पल टीवी से ये एप्पल टीवी काफी ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मार्च इवेंट में एप्पल अपना एप्पल टीवी भी लॉन्च करेगा। इसके अलावा दोस्तों, लीक्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि एप्पल अपने 2021 का आईपैड प्रो भी लॉन्च कर सकता है इसी मार्च इवेंट में। जी हाँ दोस्तों, आईपैड प्रो जो इस बार होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, काफी ज्यादा अपने साथ नए फीचर्स लेके आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एप्पल ने अपने इसमें आईपैड प्रो में A14X बायोनिक चिपसेट को यूज किया है, तो दोस्तों ये आईपैड प्रो काफी ज्यादा पावरफुल तो होने ही वाला है, इसका हमें बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। और दोस्तों, इसी के साथ एक चीज ऐसी भी है जिसके बारे में कंफर्म नहीं हूं मैं, ये चीज लॉन्च हो भी सकती है एप्पल की, और ये चीज नहीं भी लॉन्च हो सकती, वो है एप्पल का डेस्कटॉप कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का iMac। जी हाँ दोस्तों, एप्पल अपना iMac भी लॉन्च कर सकता है नए डिजाइन के साथ और नए फीचर्स के साथ। तो इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हाँ, अपना एप्पल iMac भी लॉन्च कर सकता है इसी मार्च इवेंट में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एप्पल अपने इस मार्च इवेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च करने वाला, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी रह सकता है, आप थोड़ा सा इससे दुखी भी हो सकते हो। तो पहला जो हमें पता चला है कि जो एप्पल अपने मार्च इवेंट में लॉन्च नहीं करने वाला है, वो है iPhone SE 3। या दोस्तों, एप्पल अपने iPhone SE 3 को इस बार लॉन्च नहीं करने वाला है, क्योंकि एप्पल ने रिसेंटली अभी 2020 में अपने iPhone SE 2 को लॉन्च किया था। तो iPhone SE 3 लॉन्च होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो iPhone SE 3 हमें इस बार मार्च इवेंट में लॉन्च होता हुआ नहीं दिखेगा। और दोस्तों, जो हमें दूसरा लीक पता चला है इसी मार्च इवेंट में जो नहीं लॉन्च होने वाले हैं, वो है एयरबड्स, एप्पल के नए एयरबड्स। या दोस्तों, एप्पल अपने नए एयरबड्स भी शायद इस बार एप्पल के मार्च इवेंट में लॉन्च ना करे। एयरबड्स 2 प्रो
2 और एयरपोर्ट्स 3 हाँ दोस्तों, जो दो एयरपोर्ट्स नहीं आने थे हमें पता चला था कि मार्च इवेंट में आएंगे, अब हमें ये पता चल रहा है कि एप्पल अपने इसी एयरपोर्ट को मार्च इवेंट में नहीं लॉन्च कर सकता। हो सकता है कि एप्पल अपने नए आईफोन SE 3 और अपने नए एयरपोर्ट्स को मार्च इवेंट के बाद किसी और इवेंट में लॉन्च कर दे। अगली चीज दोस्तों जो इस इवेंट में नहीं आने वाली है वो है एप्पल के आईपैड 9th जनरेशन। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने अभी रिसेंटली 2020 में आईपैड 8th जनरेशन अपना निकाला था, तो इतनी जल्दी आईपैड 9th जनरेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये भी पता चला है कि आईपैड मिनी 6 होगा ना, वो भी शायद इस इवेंट में हमें ना लॉन्च होता हुआ देखे, क्योंकि उसके बारे में अभी तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे तो बेसब्री से इंतजार है एप्पल के नए AirTags की और एप्पल का नया आईपैड प्रो 2021 का। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आप किस प्रोडक्ट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और आप क्या क्या और चीजें चाहते हो एप्पल के मार्च इवेंट में। बाकी दोस्तों हम आपके लिए वीडियो तो ले ही आएंगे, जब भी एप्पल का मार्च इवेंट होगा उसमें एप्पल अपने कौन कौन नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा, किस किस फीचर्स के साथ लॉन्च करेगा, इसके ऊपर हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो ले ही आएंगे। तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी याद से दबा लीजिए ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही हम एक नई वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।